तो ये रहा रेस्टोरेंट वाला वड़ा पाव, जिसके लिए मैंने 100 रुपीज़ पेड करे हैं। तो देखते हैं कैसा है ये वड़ा पाव। तो खुल जाए भाई। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू यू चैनल। और थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि आज का ये जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कराया तो जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। ये देख लो मेरा यूजर नेम, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और मैंने ये रेस्टोरेंट से वैसे वड़ा पाव ऑर्डर कर लिया है, और ये जो स्ट्रीट वाला वड़ा पाव है वो एक मेरा फ्रेंड लेने गया हुआ है। तो जब वो लेके आता है वो वड़ा पाव, तब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। वैसे मेरे यहाँ पे तो ये जो वड़ा पाव है, स्ट्रीट वाला वड़ा पाव, वो आपको 15-20 रुपये में जाता है। मतलब ज्यादातर 20 रुपए में आपको हर जगह मिल जाएगा स्ट्रीट वाला बड़ा पाव। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के स्टेट में स्ट्रीट वाला बड़ा पाव कितने का आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले दिल्ली में खाया था एक बड़ा पाव जो कि 25 रुपीज का था एक पीस का प्राइस। और हैदराबाद में जो बड़ा पाव खाया था उसका प्राइस था शायद 15 या 20 रुपए था, याद नहीं आ रहा, शायद 15 रुपए या 20 रुपए था शायद। हाँ, और हमारे यहाँ भी 20 रुपये समझ लो, 20 रुपये का बड़ा पाव मिल जाता है आपको स्ट्रीट वाला बड़ा पाव। और आप लोग के स्टेट में कितने रुपए का बड़ा पाव मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस अब मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, जैसे ही वो लेके आता है वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो पाव भाजी पे होगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ इस पे मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक लाइक कर देना वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि लाइक देखकर वीडियो बनाने का मतलब मज़ा ही अलग हो जाता है। क्योंकि समझ रहे हो ना, लाइक मतलब सब कुछ है यार। मतलब खैर छोड़ो वो सब बात, मेरे को अगर अभी तक इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हो तो ये देखो रेड कलर का बटन क्लिक करके उससे सब्सक्राइब कर दो, और उसके बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा रेस्टोरेंट वाला वड़ा पाव, और ये रहा मेरा स्ट्रीट वाला वड़ा पाव। तो मैं जल्दी से इन दोनों को खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि मुझे किसका प्राइस कितना पड़ा। तो स्टार्टिंग में इसे खोलता हूँ। तो ये वाला है रेस्टोरेंट वाला बड़ा पाव, और अगर मैं इसके प्राइस की बात बता दूं तो मुझे एक बड़े पाव का पड़ा यहाँ पे 100 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने 2 पीस ऑर्डर किया है। वेट थोड़ा बाहर निकाल लूँ इसे। तो ये रहा मैंने 2 इसे ऑर्डर किया है। अब जल्दी से स्ट्रीट वाला बड़ा पाव को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखो, और वैसे मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो इस स्ट्रीट वाला बड़ा पाव का मेरे को प्राइस पड़ा 20 रुपीज़ करके, 20 रुपीज़ ईच। तो ये देख लो 20 रुपीज़ का बड़ा पाव। अब जल्दी से मैं इसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि ये जो स्ट्रीट वाला वड़ा पाव है, 20 रुपीज़ वाला वड़ा पाव, ये दिखता कैसे है। पहले रबड़ में हटा दूँ और इसके ऊपर टिश्यू लपेटा हुआ है। ये देखो मेरा स्ट्रीट वाला वड़ा पाव, जिसके ऊपर में कुछ चिप्स दिया गया है, पता नहीं क्यों, इसको साइड कर देता हूँ। और अंदर देख लो क्या क्या है। और ये जो चटनी है ना बॉस, कमाल का है। और यहाँ पर मेरे को मेयोनीज एंड ऑनियन दिख रहा है। अब जल्दी से मैं इस रेस्टोरेंट वाला बड़ा पाव को अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये रेस्टोरेंट वाला बड़ा पाव दिखता कैसा है। और इसके लिए मैंने 100 रुपीज़ पेड किए हैं। और यहाँ पे तो मेरे को चीज़ एंड वेट दिखाता हूँ, मेयोनीज दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ डाला हुआ है, और उसके नीचे डाला हुआ है यहाँ पे मेयोनीज एंड ऑनियन। और बस इसके लिए मैंने 80 रुपीज़ पेड ज़्यादा किया है। अब जल्दी से मैं इस स्ट्रीट वाले बड़ा पाव और रेस्टोरेंट वाले बड़ा पाव को टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि मुझे कौन सा बेस्ट लगा। वैसे तो मुझे इस रेस्टोरेंट वाला बड़ा पाव का जो ब्रेड है काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, बट ये भी मत भूलो कि मैंने इसके लिए 80 रुपीज़ ज़्यादा पेड किया है। तो चलो टेस्ट करते हैं और बताते हैं। तो मैं फटाफट इन दोनों वड़ा पाव को टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि मुझे कौन सा वड़ा पाव बेस्ट लगा, ये 20 रुपीज़ वाला वड़ा पाव या फिर ये 100 रुपीज़ वाला वड़ा पाव। तो टेस्ट करते हैं। वैसे देख कर तो यम्मी, ऊपर का जो अगर मैं पाव की बात करूँ तो ये 20 रुपीज़ वाला पाव जो है बेस्ट लग रहा है देखने से, और ये जो 100 रुपीज़ वाला पाव है ये मतलब ऑर्डिनरी सा कुछ पाव लग रहा है। ये देखो आप लोग पता चल रहा होगा, खासकर ये जो बिल्ड हुआ है ना इसके वजह से ये कमाल का लग रहा है। बट इससे तो मैं यूज्ड टू हूँ, स्टार्टिंग में इस 100 रुपीज़ वाले बड़ा पाव से करता हूँ। तो ये चीज़ वाले साइड से खाता हूँ मैं। ये देखो मेयोनीज बाहर आ गया, मतलब बिल्कुल क्रीमी सा ये जो है बड़ा पाव लग रहा है, काफी क्रीमी सा चीज, मेयोनीज। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है पता है इसमें, ये जो वेट मैं दिखाता हूँ, ये अंदर में पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं, वेट
ये जो ऑनियन का जो क्रंचेस आ रहा है ना बॉस, ये मतलब कमाल का लग रहा है। इससे मतलब एक अच्छा सा क्रीमीनेस है, और साथ में ये जो अंदर में जो वड़ा है, सिर्फ मैं वड़ा को टेस्ट करता हूँ एक बार। काफी क्रंची सा लग रहा है ये बड़ा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो काफी क्रीमी सा है और टेस्ट ठीक है। मतलब वो जो क्रीमीनेस है ना वो कुछ ज्यादा ही है इसमें। एक जो चटपटापन होता है ना, आप अगर स्ट्रीट वाले बड़ा पाव अगर खाते होगे तो उसमें एक लाल चटनी रहता है, वो मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, जो एक वड़ा पाव को एक अच्छा सा मतलब एक चटपटा टेस्ट देता है। और मुझे खाने की चीज़ों में चटपटा काफ़ी पसंद है, तो देखता हूँ स्ट्रीट वाले को टेस्ट करके एक बार। तो ये देख लो स्ट्रीट वाले बड़े पाव को, और इसमें मुझे वो रेड चटनी दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये देखो। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके वड़ा पाव में ये रेड वाली चटनी डालते हैं कि नहीं डालते हैं। मतलब काफ़ी चटपटा सा होता है ये। तो स्टार्टिंग में कहाँ से करूँ, यहाँ से। तो इसका जो टेस्ट है मेयोनीज की वजह से एक स्वीटनेस तो है ही, और साथ में वो जो रेड वाला चटनी है ना उससे एक अच्छा सा स्पाइसीनेस आ रहा है हल्का सा। और ये ग्रिल्ड की वजह से ना, ये जो ऊपर का जो इसका आप पाव बोल सकते हो, ब्रेड जो भी है, वो मतलब थोड़ा सा हार्ड हो गया है एज़ कम्पेयर टू ये 100 रुपीज़ वाला बड़ा पाव। इसका काफ़ी सॉफ्ट है ये जो ऊपर वाला ब्रेड है, बट ये थोड़ा हार्ड हो गया है। लेकिन इसका जो टेस्ट है बॉस, इसमें काफ़ी टेक्सचर है और मतलब फ्लेवर बहुत ज़्यादा है इसमें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे को बोलोगे, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ वड़ा पाव, अगर आप बोलोगे तो एक होता है बेस्टेस्ट और एक होता है बेस्ट। तो ये मैं बोलूँगा बेस्ट है, क्योंकि इसका जो मेन, देखो मेन इसका क्या है, ये जो ब्रेड है, ओके, और इसका ब्रेड जो है सॉफ्ट है, ओके। तो बेस्ट ये हो जाता है और बेस्टेस्ट ये हो जाता है। बट अगर आप मेरे से पैसों के लेकर पूछोगे कि पैसों के मामले में कौन सा बेस्ट है, तो पैसों के लिए तो बॉस ये स्ट्रीट वाला बेस्टेस्ट, मतलब नेक्स्ट लेवल बेस्टेस्ट है। तो बस वही बात है, होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को ये स्ट्रीट वाला वड़ा पाव अच्छा लगा या फिर ये रेस्टोरेंट वाला वड़ा पाव अच्छा लगा। और ये भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग ये छोटे मोटे चीज़ लाइक ये बर्गर हो गया, मतलब बर्गर तो खैर छोड़ दो, जैसे कि ये मोमो हो गया, पुचका हो गया, और ये वड़ा पाव हो गया, और छोले भटूरे हो गए, और क्या क्या बच्चा रह गया, और पाव भाजी हो गया, ये सब छोटे मोटे चीज़ आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना प्रेफर करते हो या फिर छोटे मोटे स्ट्रीट में खाना ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सोच रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पाव भाजी पे होगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो बस उस पर वीडियो होने वाला, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और लगे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर देना। मैं इसी टाइप के, अभी मैं सोच रहा हूँ इस पूरे वीक आप लोग को इसी टाइप का एक सीरीज़ दूँ, सीरीज़ एक वीडियो दूँ, जिसमें एक आप लोगों को कंटिन्यू स्ट्रीट वर्सेस रेस्टोरेंट की चीज़ों को मैं कंपेरिजन करते रहूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। अदरवाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तो बस मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। और इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जो नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हो उससे क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात, वो जो बगल में बेल आइकन बटन है ना उससे दबाना मत भूलना, उसे नहीं दबाओगे तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और अभी तक मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो ये देख लो मेरा इंस्टा यूजर नेम, जाके मुझे इंस्टा में फॉलो कर लो। तो बस हमें मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, मतलब कल ही मिलता है पावाजी वाले वीडियो के साथ। ओके चलो बाय।